हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अगर हर दौर में फिरौन आता है, आने दो, मूसा भी आएगा, आने दो, जब तक फिरौन है, फिरौन को अपनी फिरौनियत पर नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा को अपने रब के अदल पर नाज है, यजीद को मरना होगा, यजीद को मिटना होगा, यही करबला कल भी कहता था, यही करबला आज भी। نزل السماوات والأرضين وحيزه اشتياق لقاء في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مشائخین اعظام سادات اعظام بالخصوص ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان خانوادہ مسعودی کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت جنہیں محبتوں کی زبان میں حسان ملت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے आपके चेहरे की जियारत भी आप कर रहे थे और रूहानी फ्यूज़ो बरकात से माला माल भी हो रहे थे। ये बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों की जियारत की जाए, मगर जियारत के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिस कौम में सिर्फ जियारत रह जाती है वो कौम बहुत ज्यादा दिनों तक जमीन पर टिकने के लायक नहीं रहती है, जमीन के अंदर दफन कर दी जाती है। मेरे जुमले कड़वे लगे हैं क्योंकि मैं कोई चापलूस मौलवी नहीं, न किसी के बाप के घर का दिया हुआ खाता हूँ। कल भी वारिस अली का था, आज भी वारिस अली का हूँ। हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में तकरीर अगर आप 11 बजे कराते तो तसव्वुफ की तकरीर होती, अभी तो आपके जख्मों को कुरेदने की जरूरत है। आप किन हालात में वक्त गुजार रहे हैं? नवासे का इतना अदब है कि आप हाथ को भी चूम रहे हैं, पैर को भी चूम रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं, मगर किसी मकाम पर नाना की बात, नाना के मिशन की बात, ये बताइए नवासा पहले है कि नाना पहले? अगर आपके नजदीक नवासा पहले है तो कानपुर वालों को नवासा पहले मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम नाना की बुनियाद पर नवासे। सरकार की नात पढ़ी जा रही थी, बदतमीजी का वो आलम कि अल अमान वल हफीज,
हमारे बुजुर्गों का आलम यह होता था कि ऐसा लगता था कि रूह परवास कर गई। सहाबाए किराम जब मजलिसे रसूल में महफिले रसूल में बैठते थे तो उनकी सांसों की आवाजें भी इतनी मध्यम आती थी कहीं ऐसा ना हो कि वो सांसें किसी बेअदबी या बाइस न बने जिसकी वजह से बारगाहे रसूल में हमारे किए कराए आमाल बेकार ना जाए। बहुत शोर शराबा आपने कर लिया, बहुत जिंदाबाद मां के नारे लगा लिए, मगर आप कब जिंदा होंगे? आपके अंदर जिंदगी कब आएगी? कब अपने अंदर आप बेदारी लाएंगे? गरनाता की बुलंदो बाला इमारतें आपको दावत दे रही हैं। आपको पता भी नहीं होगा गरनाता क्या है। स्पेन की सरजमीन आपको आवाज दे रही है। आप अपनी तारीख पढ़ते ही कहां यही तो चाहती हैं दूसरी अक्वाम कि आपका ताल्लुक आपके माजी से तोड़ दिया जाए, आपका ताल्लुक आपके पास से तोड़ दिया जाए, आपका ताल्लुक आपके बुजुर्गों से तोड़ दिया जाए, आपका ताल्लुक तारीख के मुजाहिदीन से तोड़ दिया जाए जिनके घोड़े सिंध के रेगुजारों पे जब दौड़ते थे तो कल अल्लाह कल रसूल की आवाजें बुलंद होती थी। ये बड़े अफसोस का मकाम कि हमारे जलसे सिर्फ हुल्लड़बाजी का शिकार, हमारी कौम सो रही है और हमारा हरीफ हमारी शहर पर पहुंच चुका है, मगर वाहरे कौमें सुन्नी इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। अपने अपने आपसी इख्तलाफात को भुलाकर आप सबको मिल्लत इस्लामिया के मफाद की खातिर, दीने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, कुरानी मफाहीम की खातिर अपने झगड़ों को मिटाना होगा और बुजुर्गों की तालीमात के आईने में आपको जिंदगी गुजारना होगा। मगर क्या बताएं कि न हक सुनना चाहते हैं, न हक बोलना चाहते हैं, न हक देखना चाहते हैं। वही शोर शराबे में 30 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। तारीख इस्लाम के कुछ अबवाब आपके सामने पेश करूंगा और गुफ्तगू समेट करके अपने मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक अगर खानकाह से है तो दरसगाह से। आइए अकीदत और मोहब्बत की दहलीज पर सर रखें और ज़ाते सुदूदा वाला सिफात की बारगाह में चलें जिनकी बारगाह से लोगों को इंसानियत का सबक मिलता है, जहां से मानवता का उद्धार होता है, जहां से अखलाकी कदरें बुलंद होती हैं, जहां पे कमजोरों पर मोहब्बत के फूलों की बारिश होती है, बेवाओं की खबरगीरी की जाती है, यतीमों के सर पर दस्ते मोहब्बत फेरा जाता है। हाँ हाँ वही बारगाह है जिस बारगाह से किसी को निकाला नहीं गया, जो तस्वीर पहन करके आए, जो मोहब्बत की तस्वीर पहन करके आए, उन्हें गले लगाया गया। ये वही बारगाह मोहब्बत है जिसमें कोई गोरा नहीं, जिसमें कोई काला नहीं, जिसमें कोई अरबी नहीं, जिसमें कोई तौरानी नहीं, जिसमें कोई ईरानी नहीं, जिसमें कोई अफगानी नहीं, जिसमें कोई अरबी नहीं, जिसमें कोई मक्की नहीं, जिसमें कोई मदनी नहीं, जिसमें कोई फारसी नहीं। आने वाला अगर मोहब्बत की तावीज पहन करके आया है तो बारगाह रिसालत में जहां सिद्दीक मुस्कुरा रहे हैं वहीं बगल में बैठा हुआ बिलाल मुस्कुरा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं
नकीबे आजम हिंदुस्तान हमारे शाहिद भाई बहुत उम्दा नकाबत और अजीजम कारी यूसुफ साहब, ये दोनों हजरात मौजूद हैं सैयद साहब और आप हजरात की मौजूदगी में। कहूंगा नारा बिल्कुल ना लगाना, आज खाली हमें सुने बिल्कुल, हम नारा और वाह वाह के कायल नहीं, अब आह आह की जरूरत। जो हालात हैं आप उन पर गौर करिए, आपने वाह वाह बहुत कर लिया। वो बारगाह ये बल जो मिल रहा है, ये मायूसी की अंधेरे नबूवत का सूरज जो पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है, अरे हमारे पास जीने की कोई उम्मीद थी ही नहीं, हमारे पास मायूसियों के अंधेरे में भटकने के अलावा कोई चीज थी ही नहीं। ये तो शब्बीर का दामन था, ये तो अब्बास के बाजू थे, ये तो अनु मोहम्मद की जुरात थी, ये तो हजरत कासिम की ईसार था, ये तो हजरत मौला अली अकबर का हुस्न था कि कर्बला के 72 ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें जीने का सहारा दे दिया, वरना वक्त का यजीद हमें कब का मार चुका था। मेरे हुसैन ने कहा अगर कमजोर पड़ो तो कर्बला से 72 ले लो, अगर दुखी हो तो अजमेर से गरीब नवाज ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सरकार बेगम शाह वारसी कहते हैं, ये तो अक्सर दहने शाहे समन से निकला, काम उम्मत का हुसैन और हसन से निकला, काम उम्मत का अपने मरकज को पहचानो, अपनी रूहानी राजधानी को जानो। कटआउट के जरिए गलत लाइक इस्तेमाल मत करो, कटिया मत मारो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास हुसैनी ट्रांसफार्मर जगह जगह मौजूद है कि चौचा चले जाओ, मखदूम अशरफ बहराइच चले जाओ, सैयदे सालारे मसूदे गाजी देवे चले जाओ, लावारिसों का वारिस। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रूहानी चीजें मौजूद हैं। वाह वाह, अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? क्यों देखें? वाह 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 वाह, क्यों जाए भाई? सोचो आपका मरकज क्या है, आपका मंबा क्या है, आपका मस्जिद क्या है? एक नाम बताता हूं तो आपका मरकज मदीना है। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, मरकज मदीना है, मदीना है, मदीने ने एक और मरकज बताया, शायद डायरेक्ट न्यूज तक पहुंचना मुमकिन ना हो। वाह 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 वाह, मैंने जिसे अंता आखिरुन फिल दुनिया व आखिरुन फिल आखिरा कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर वली का अली, आदम के जमाने का वली हो, जनाबे मूसा के जमाने का वली हो, जनाबे शीश के जमाने का वली हो, जनाबे याकूब के जमाने का वली हो, हजरत यूसुफ के जमाने का वली हो, हजरत हिजकील के जमाने का वली हो, हजरत जकरिया के जमाने का वली हो, हजरत यहया के जमाने का वली हो, हजरत लूत के जमाने का वली हो, यूशा इब्ने नून के जमाने का वली हो, खालिद इब्ने यूहन्ना के जमाने का वली हो, नबियों के जमाने का वली हो, हर वली के सर पर कल्बी अली का जादू बोल रहा था, आज भी अली का जादू बोल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ए मौलाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये हमारी अमानत है, ये 12 इमाम हमारी अमानत है, ये हमारी कमियां हैं कि हमने उनको गैरों के खाते में डाल दिया। क्या कहना, क्या कहना, सैयद सज्जाद हमारी, वाह वाह,
मौला इमाम अली हमारे जिंदाबाद, इमाम हसन मुस्तफा हमारे, इमाम हुसैन हमारे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे, इमाम मोहम्मद अल बाकिर हमारे, इमाम जाफर सादिक हमारे, इमाम मूसा काज़िम हमारे, इमाम अली रज़ा हमारे, जव्वाद तकी हमारे, इमाम नकी हमारे, हसन अस्करी हमारे, विलायत का फातेह भी अली है। आए 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 विलायत जहां से शुरू हुई, विलायत जहां से पैदा हुई, इब्तिदा भी अली है। विलायत जहां पे खत्म होगी, इंतहा भी अली है। इब्तिदा का नाम अली इब्ने अबी तालिब है, इंतहा का नाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हजरत हक हासिल है। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ दूं। अरे सुभान अल्लाह, वली ये मुतलक है जात उसकी, वली ने उसको वली दिया है। हाय हाय भाई, बोले बोले सुभान अल्लाह। वली ये मुतलक है जात उसकी, वली ने उसको वली दिया है। ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को उसने जली दिया है। और नबी ने मेरा से पलट कर यही बताया है आशिकों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब थोड़ा सा आए रंग में, क्या कहना चाहता हूँ। सातवें इमाम हैं, इमाम तकी, ये साहबजादे हैं इमाम मूसा काजिम के। साहबजादे हैं किसके? इमाम मूसा काजिम के। पंगौड़े में लेटे हैं, हजरत का एक मुरीद आया। एक बात ये भी बता दूं, पीर वो नहीं जो मुरीदों को तलाश करे, पीर वो नहीं जो मुरीदों को तलाश करे, बल्कि पीर वो है जिसको मुरीद तलाश करे। अगर यकीन ना आए, अगर यकीन ना आए तो देखो, ख्वाजा उस्मान हरूनी ने, ख्वाजा उस्मान हरूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को नहीं तलाशा, ख्वाजा मोइन ने ख्वाजा उस्मान हरूनी को ढूंढा। यकीन ना आए, यकीन ना आए तो बाबा फरीद ने अलाउद्दीन को नहीं तलाशा, जिंदाबाद। मौलाना निजामुद्दीन को नहीं तलाशा, महबूबे इलाही ने अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने बाबा फरीद को तलाशा, जिंदाबाद। पीर की बात करता हूँ तो हजरत इमाम तकी है, बेटे हैं इमाम मूसा कासिम के। किसके बेटे हैं? वाह वाह वाह, जरा मोहब्बत से, हजरत मूसा कासिम के। वाह वाह, किसके बेटे हैं? हजरत मूसा कासिम, इमाम मूसा कासिम के। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी जात इमाम मूसा कासिम की। इमाम मूसा कासिम ने पंगोटे की तरफ देखा, लेटे हैं बाप बेटे में नजरें चार हुई, अरबी में गुफ्तगू शुरू हो गई। उम्र कितने दिन की है? 15 दिन की। 15 दिन का बच्चा बोल रहा है, आने वाला हैरान है कि बच्चे बोलते हैं तो 2 साल की उम्र में बोल बोल, ये कैसा बच्चा है जो 15 दिन में बोल रहा है? उसने सवाल किया, हुजूर ये बच्चा बोल रहा है, समझ में बात नहीं आई, कहा जरा और करीब आओ। करीब आया और कहा, अरबी समझते हो? कहा, हुजूर समझता हूँ। कहा, सुनो। जब सुना तो आने वाला बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा फकीह था, लेकिन हजरत इमाम मूसा काजिम के साहबजादे इमाम तकी की आयत सुन करके अपनी आंखों को झुका लिया, और झुकाने के बाद उसने इरशाद फरमाया कि बखुदा मैंने ऐसी अरबी आज तक ना देखी थी, न
सुनी थी न महसूस की थी। काजिम ने इरशाद फरमाया, ये तो हमारे घराने की पुरानी रीत है। जिंदाबाद। पुरानी रीत है, अब जुमले पर गौर करना। पुरानी रीत, अब जरा गौर फरमाइए कहां से रीत है। हजरत इमाम मौलाए कायनात ने जो खिताब किया रसूल खुदा की गोद में, मौला अली ने गुफ्तगू की रसूल खुदा की गोद में, इमाम हसनैन करीमैन ने गुफ्तगू की शीर खारगी के अय्याम में मौला अली की गोद में, इमाम हुसैन की गोद में सैयद सज्जाद ने गुफ्तगू की, सैयद सज्जाद की गोद में इमाम बाकिर ने गुफ्तगू की, इमाम बाकिर की गोद में जाफर सादिक ने गुफ्तगू की, इमाम जाफर सादिक की गोद में इमाम मूसा कासिम ने गुफ्तगू की, इमाम मूसा कासिम की गोद में इमाम तकी गुफ्तगू कर रहे हैं। समझ में आई बात? वजह क्या है, बात क्या है? एक से बढ़कर के एक 12 इमामों को देखा तो सब बचपने में जब लोग खुलते नहीं, हमारे बच्चे जब बोलने की सकत नहीं रखते, जबान नहीं खुलती, उस वक्त से ये मासूमीन गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर राज क्या है, बात क्या है? राज ये है कि हजरत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब पैदाइश हुई, इस खानदाने गीती में आए तो हजरत मरियम ने अंदेशा जाहिर किया कि लोग क्या कहेंगे कि मरियम ये बच्चा कहां से लाई। रब की रुबूबियत बोल उठी, खुदा की कुदरत बोल उठी। फाशारत इलैहा, मरियम तुम कुछ ना बोलना, बस इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम जब बच्चे को लेके गई और कौम के लोगों ने कहा कैसा नुकल्ली वो काना फिर महदे सबिया, ये बच्चा कैसे बातें करेगा, तो हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, जनाबे ईसा बोल पड़े। अब जनाबे ईसा ने खिताब किया, इन्नी अब्दुल्ला जितने कमाल नबी की जात में। अभी मुझसे पेशतर पहली तकरीर हुई मुर्तजा शरीफी साहब की, तो उससे पेशतर मैंने ये सोचा कि मैं पहुंचूंगा तो थोड़ा इसकी वजाहत करूंगा। अब मैं वजाहत थोड़ी सी आपको कर दूं कि जब हजरत ईसा ने बंगोटे में कलाम किया, माँ की गोद में कलाम किया, तो इससे अंदाजा हुआ कि हजरत ईसा का मकाम कहीं मकाम मोहम्मदी से बढ़ा तो नहीं, जबकि मुस्तफा जैसा मकाम न हजरत आदम की सफीयत का है, न नूह की नजीयत का है, न इब्राहिम की खुल्लत का है, न मूसा के कमाल का है, न ईसा की रूहानियत का है, न शीश के तदब्बुर का है, न याकूब की फिक्र का है, न यूसुफ के हुस्न का है, न हिज्किय्याह की नबुव्वत का है, न ज़करिया की तक्वा शियारी का है, न हजरत यहया की परहेज़कारी का है, मेरे नबी के बराबर नहीं। तो ऐसा लगा कि इस मामले में जनाबे ईसा बढ़ गए। रब्बुल आलमीन ने अली से बचपने में बुलवा के और अली के बेटों से बचपने में बुलवा के ये बता दिया कि जब नायब का कोई जवाब नहीं तो असल का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुल्तान अल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि बादशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज आखिर किसी चीज का खौफ तो नहीं था। बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहूंगा कि आज हमें से हर शख्स को खौफ है, डर है, और ये बहुत जरूरी है कि खुद की शिकम परवरी से हम बाहर आएं, मिल्लत पर ध्यान दें, कौम पर ध्यान दें, और कौम की जिम्मेदारी है कि अपने नबी की तारीफ पढ़े। ज्यादा जज्बाती ना हो, हुजूर की मक्की जिंदगी इस वक्त पढ़े। मसाइब के जो तुल आंधियां आपके ऊपर आए तो करबला के इमाम पाक को याद रखें। आपके आइडियल ये दुनिया के मक्कार नहीं, आपके आइडियल औनो मोहम्मद हैं बच्चों। आपकी आइडियल हजरत अब्बास अलमबरदार। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको आइडियल किसको बनाना है।
और जब आप आइडियल इनको बनाएंगे तो कुरान का फरमान है अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनको आइडियल बनाने के बाद आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, नफा नुकसान का कोई खौफ नहीं होगा। ये नफा नुकसान का खौफ देखते कौन है? बस इसी में दस मिनट सुन लो। नफा नुकसान का खौफ वो देखते हैं जिनका किसी बाजार में सौदा ना हुआ हो, जो कहीं बिके ना हो। मैंने कर्बला में पूरा कॉलेज देखा, कर्बला में पूरी यूनिवर्सिटी देखा, और उस यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी मैंने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में देखा। बात का थी कि जुल्म के सामने आप घबराए नहीं, तशद्दुद के सामने घुटने टेके नहीं, हुकूमत के सामने सर को नहीं झुकाया, तो गरीब नवाज की गरीब नवाजी ने हमें आवाज दी। हमने इसलिए सर नहीं झुकाया कि हम तो पहले ही कर्बला के हुसैन के हाथों बिक चुके थे। जो खुद बिक चुका हो नवाजी बाजार में न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, कानपुर के मुसलमानों, नेताओं के बाजार में मत बिको, दुनियादारों के बाजार में ना बिको। आओ वादा करते हैं, आओ कर्बला में बिक जाएं, आओ नजफ अशरफ में बिक जाएं, आओ गाजीबाग में बिक जाएं, आओ शहीद आला की बारगाह में बिक जाएं, सैयद सालारे मसूद काजी की बारगाह में बिक जाएं। जो बिक जाते हैं न नजर उनकी रहती है, न जिस्म उनका रहता है, न बदन उनका रहता है, न की रहती है। बिक जाते हैं वो गरीब नवाज की तरह अकेले मैदान में निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो न तलवारें हाथ में होती हैं, न नेजे हाथ में होते हैं, न हथियार हाथ में होते हैं। होता क्या है? नजरों का जाम हाथ में होता है। एक नजर डालते हैं 90 लाख को इस्लाम की तरफ झुकाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसाल। बैठे रहे, तबरुकात आ रहा है, अभी आप हजरत ज़ियारत करेंगे। 5 मिनट और रुको। सबसे बड़ा तबरुक ये ले जाओ हुजूर की बारगाह, मैं दे रहा हूँ। बिको मगर ऐसे नहीं कि हजरत का रूमाल पकड़ के बिको। दिल पकड़ो यार, दिल पकड़ो। बिलाले हबशी ने हुजूर की चादर बाद में पकड़ी थी, दिल पहले पकड़ा था, लिहाजा उमैया के कोड़े भी कुछ नहीं कर सके, जुल्म तशद्दुद की आमिया भी कुछ नहीं कर सकी। आओ बिकते हैं, जुल्म को अपना काम करने दो। अगर हर दौर में फिरौन आता है आने दो, मूसा भी आएगा आने दो। जब तक फिरौन है, फिरौन को अपनी फिरौनियत पर नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह मूसा को अपने रब के अदल पर नाज है। जिंदाबाद वाले नहीं, जुल्म से घबराने वाले नहीं, परेशानियों से घबराने वाले नहीं। अरे जिसकी बेटियों के जिसकी बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब कुबरा के वाकयात हो, जिसकी बहनों के सामने हजरत सकीना की आका अज़्म हो, जिसकी बेटियों के सामने उम्मे रुबाब के हौसले हो, जिसकी बीवियों के सामने हजरत शहरबानो की इस्तेकामत हो, जिसके बेटों के सामने अली असकर का वजूद हो, जिसके भाइयों के सामने अब्बास के कटे बाजू हो, वो फला दुनिया के जुल्म से नहीं घबरा सकता। यजीद को मरना होगा, यजीद को मिटना होगा। यही कर्बला कल भी कहता था, यही कर्बला आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादत हुसैन, अकाबीर उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर।